गुड आफ्टरनून एवरीवन. टुडे वी हैव विद अस राम राजेवाड़ सर फ्रॉम श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी. ही इज द एचओडी ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट. हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर. शैल वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस? या या. ओके सर. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, यू हेल्ड अ की पोजीशन एट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थ्रू आउट योर प्रोफेशनल करियर. व्हाट कीप्स यू कनेक्टेड विद द एजुकेशन सेक्टर एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द इंस्टीट्यूट? बेसिकली टू कम इन द टीचिंग लाइन, इट इज वेरी टफ इन द बिगिनिंग, बस बट वी आर गुड रिसर्चर आल्सो. सो टू जॉइन इन द यूनिवर्सिटी, we used to get some peoples, matlab students, good students, those who are pursuing BSc, MSc and even PhD also. So we can motivate them in the field of research. Basically, university, I think so, all of the university should engage in research only, because on that platform, we can engage our students in different industry. And during this COVID period also, so that pharmaceutical company is very much grow in COVID period due to manufacturing of chemicals, drugs, vaccination and everything. So we are, I am telling to my research scholar also. So we are already working on that in drug design also. So in teaching is because you can teach BSc, MSc and a different stream of research also. So mix of teaching and research in university, it will be there. So okay, sir. I joined in that only. Okay sir. How does the curriculum of Sri Rawatpura Sarkari University ensure that the students are being prepared for their future? Basically government of India only. We are implying in our curriculum that choice-based system in syllabus also. In graduation, we are offering BSc honors and MSc in chemistry, and we are also offering BSc environmental science and MSc environmental science. So in chemistry, in graduation level, we are offering 90 days training internship in reputed industry, so that they will go there and they will learn about the industry, pharmaceuticals or other university. Sometimes they are going to the other university, having good in the field of research in chemistry. So we are going to that also. Okay, sir. How do you try to bring the practical approach towards the subject and make it industry oriented? We have introduced, मतलब हम लोग ने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर को भी इंट्रोड्यूस किया है, जैसे मान के चलिए कीमो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारे करिकुलम में, जिससे कि बच्चों को कंप्यूटर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना AI का भी बहुत ज्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का बहुत ज्यादा रूट है, डाटा साइंस का बहुत ज्यादा है. तो हमने उनको बताया कि केमिस्ट्री में बहुत सारे डाटास मिलते हैं, है ना, और हर फील्ड के, हर पैरामीटर्स के. yes. तो उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए कहाँ इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी में तो किया नहीं जा सकता, तो हम लोग कंप्यूटर में किया जा सकता है. तो कंप्यूटर में उसकी सही तरीका से कैसे किया जा सकता है. yes. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिससे कि अभी ड्रग डिजाइन की जो बात कर रहा था मैं, तो जिसमें मॉलिक्यूलर मॉडलिंग है, कीमो इन्फॉर्मेटिक्स है, जो पुराने जानकारी है उसको नया तरीके से कैसे किया जा सकता है. जैसे कोविड पीरियड में कोई नया मॉलिक्यूल इतना जल्दी बन नहीं सकता, तो पुराने ड्रग्स को ही हम लोगों ने, मतलब लोगों ने पूरी ट्रीटमेंट करना शुरू किया. एक नया तरीके से रिसर्च थी सबके लिए, इवन केमिस्ट्री पीपल, फार्मेसी, डॉक्टरेट, इवन पॉलिटिकल, जो इकोनॉमिक कंट्री अच्छे हैं, जो नहीं है उनके लिए भी नया चीज थी बिल्कुल. yes, तो इसीलिए बच्चों को प्रिपेयर हम हमेशा ये करते हैं कि जो सिचुएशन है उस समय अपने आप को मोल्ड करना है और उसके हिसाब से करना है. ओके सर. व्हाट डू यू सी एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी? बेसिकली श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी इज रन बाय महाराष्ट्री, ही इज द चेयरमैन, एंड ही बिलीव दैट
the university must grow in field of research. Teaching must also there, but he wanted to grow in the field of research. So visit to the campus, and when he मतलब हमसे मिलते हैं तो हमको यही बोलते हैं कि मतलब कि यूनिवर्सिटी को रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी बनानी है, जिसके लिए आप लोग का मतलब भरपूर सहयोग होनी चाहिए और काम भी होनी चाहिए मतलब उस डायरेक्शन में. और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से उन्होंने डेवलप भी किया है, मतलब कि पूरे रिसर्च लैब को बहुत अच्छे से मतलब वर्किंग में है और डेवलप भी किया है. ओके सर, आप कोई भी ऐसा सजेशन देना चाहेंगे यूथ को, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं आगे, उन लोगों के कुछ मतलब बोलना चाहेंगे उनके लिए जिनको से मोटिवेशन मिले? मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसा मतलब अपना करियर को जो इंटरेस्ट हो, है ना, मतलब दो तरीके से लोग चॉइस करते हैं. एक पेरेंट जो बोलते हैं कि आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो उसका भी तरफ भी जाइए, मतलब यदि आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन ये प्रयास कीजिए कि मतलब कि जैसे आप में वो क्लेवर है बच्चों में, जैसे रिसर्च ओरिएंटेड करने के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, मतलब कि करिकुलम ही पूरे यूनिवर्सिटी में, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें यही चीज को फोकस कर रही जा रही है कि कोई भी करिकुलम हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या योगा हो, तो वो साइंटिफिकली थोड़ा सा अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें कि बच्चा मान के चलिए मतलब 11 12th में उसने आर्ट्स लिया है और उसने साइंस नहीं पढ़ा है, तो उसको एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम क्विट कर सकते हैं, मतलब कि आगे एक आध सब्जेक्ट ऑप्शनल हो या ऐसा इलेक्टिव सब्जेक्ट हो कि जैसे केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़नी है, मैथमेटिक इंजीनियरिंग करनी, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने एक बंडल ऑफ ऑप्शनल का ऑप्शन रखा है जो नहीं हो गई है, लेकिन आने वाले समय में एक आध साल में शायद सभी जगह लागू होंगी. यस सर, तभी बच्चे लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगी. ओके सर, सर थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर. हाँ थैंक यू.